And here's some big news coming in. Taliban captures another provincial capital of Afghanistan. पर आतंकी संगठन तालिबान का राज हो गया है. The Taliban is in control of Afghanistan. Overrun and Taliban has taken over. Tonight Afghanistan's Hello guys, once again welcome to Knowledge Gem. आज हम उस देश के बारे में बात करेंगे जो कुछ महीने पहले तक एक डेमोक्रेटिक और एक खुशहाल देश हुआ करता था, लेकिन आज के समय में एक विकास विरोधी और स्त्री विरोधी सरकार अफगानिस्तान पर कब्जा किए हुए है. वो कहते हैं ना, जिस देश में विकास पर धर्म हावी हो जाता है उस देश का टूटना निश्चित होता है, फिर वो चाहे आज हो या कल. आज इस देश पर पूरी दुनिया की नज़र है. कुछ ही महीने पहले अफगानिस्तान से आए वीडियोस ने दिखाया था कि यहाँ के लोग आज भी किसी अनसेफ दुनिया में रह रहे हैं. ये वीडियोस मानवता को झंझोर देने वाली हैं. दोस्तों, भले ही आज ये देश अंधेरे में है, परंतु ये हमेशा से ऐसा नहीं हुआ करता था. यहाँ भी कभी शांति हुआ करती थी. उम्मीद करते हैं यहाँ फिर से एक बार खुशियों का उजाला होगा. फ्रेंड्स, आज हम इस दुख भरी घड़ी में मानवता के वास्ते अफगानिस्तान की बात करेंगे. इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हमारे देश से कुछ ही दूरी पर कुछ आंखें आज भी मदद का इंतजार कर रही हैं. अफगानिस्तान का ऑफिशियल नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान है. ये एक लैंडलॉक कंट्री है. ये देश पाकिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है. इनकी कैपिटल और सबसे बड़ी सिटी है काबुल. अफगानिस्तान देश की पॉपुलेशन लगभग 3,40,00,000 है, जिसमें से 76% लोग आज भी गाँव में रहते हैं. पश्तो और दानी यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और इनकी करेंसी है अफगानी. एक रुपया 1.26 अफगानी के बराबर होता है. आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एक बार अफगानिस्तान की हिस्ट्री को जान लेते हैं. 17th सेंचुरी तक अफगानिस्तान अखंड भारत का हिस्सा था. यह हमारे 16th महाजनपद में से एक था. इसे तब गांधार कहते थे. अफगानिस्तान भले ही छोटे समय के लिए, लेकिन हमारी ही तरह यह भी ब्रिटिशर्स का गुलाम था. 1919 में अफगानिस्तान ब्रिटिशर्स से आज़ाद हुआ और इसके बाद कुछ सालों तक यहाँ अफगानी रूलर्स ने राज किया. लेकिन फ्रेंड्स, 1979 में USSR ने इस देश पर कब्जा कर लिया था. 1989 में तालिबान, जो एक स्टूडेंट ग्रुप था, उसने अफगानिस्तान को USSR से आज़ादी दिलाई. इस आज़ादी में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ था. 1990s में यहाँ तालिबान ने रूल करा, लेकिन ये स्टूडेंट ग्रुप अब धीरे धीरे टेररिज्म की तरफ बढ़ रहा था. 2001 में USA के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर टेररिस्ट अटैक हुआ. अमेरिकन्स बिन लादेन को ढूंढते ढूंढते अफगानिस्तान पहुंचे. दरअसल तालिबान पर बिन लादेन को छुपाने का आरोप था. इसी कारण से अमेरिका और तालिबान के बीच क्लैशेस होने लगे. अमेरिका ने अपनी फोर्सेस अफगानिस्तान में उतार दी. इसके बाद USA ने अफगानिस्तान पर बहुत सारे सेंसर्स लगाए. USA के प्रेशर के कारण 2001 से लेकर 2021 तक अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी. तो गाइस, कुल मिलाकर अफगानिस्तान की अनस्टेबिलिटी के कारण थे अमेरिकन्स और तालिबानी. ये थी यहाँ की हिस्ट्री. चलो अब आगे बढ़ते हैं. 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग अफगानिस्तान के लिटरेसी रेट सिर्फ 43% है. गाइस, 21st सेंचुरी में इनकी फीमेल लिटरेसी रेट सिर्फ 29% है. और अब तालिबान के पावर में आने के बाद यहाँ की महिलाओं की शिक्षा भगवान भरोसे है. फ्रेंड्स, अफगानिस्तान की आबादी का 70% हिस्सा एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा है. ज़्यादातर लोग यहाँ ओपीएम यानी अफीम की खेती करते हैं और इलीगल तरीके से दुनिया के अलग अलग देशों में सप्लाई कराते हैं. ओपीएम ही यहाँ के लोगों की आमदनी का मेन सोर्स है. इसके अलावा यहाँ ड्राई फ्रूट, सेब, हिमालयन सॉल्ट, कारपेट और प्रीसेस स्टोन मिलते हैं. गाइज, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस देश में इतने ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से क्यों जुड़े हैं. तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस के कारण इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ इन्वेस्ट नहीं करती हैं. फ्रेंड्स, अफगानिस्तान में खेलों का क्रेज इतना अधिक नहीं है, पर दोस्तों इस देश में क्रिकेट की दीवानगी इतनी है कि रेफ्यूजी कैंप से शुरू हुई क्रिकेट टीम आज दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों को हरा रही है. ICC की रैंकिंग में इस देश का बोलबाला है. मुजीब, राशिद खान, मोहम्मद नबी यहाँ के स्टार परफॉर्मर्स हैं और ये दुनिया के सभी T20 लीग्स में खेलते हैं. गाइस, फेमस बॉडी बिल्डर और एक्टर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर अफगानिस्तान में काफ़ी फेमस हैं. अफगानी आर्नोल्ड की बॉडी फिजिक के कारण उन्हें अफगानिस्तान का मानते हैं. यहाँ के सभी जिम्स और घरों में आर्नोल्ड के पोस्टर देखने को मिल जाते हैं. इस देश का न्यू ईयर 1 मार्च को मनाया जाता है और इसे ये लोग नवरोज कहते हैं. नवरोज के दिन अफगानी मनारे शरीफ में इकट्ठा होते हैं और झंडे को होस्ट करते हैं. यहाँ ऐसी मान्यता है, अगर झंडा स्मूथली होस्ट हो गया तो साल अच्छा बीतेगा, वरना साल बेकार रहेगा. वैसे दोस्तों, अफगानिस्तान की कंडीशन देखते हुए शायद ही यहाँ कभी झंडा स्मूथली होस्ट हुआ होगा. अफगानिस्तान चाहता है कि इनका नेशनल गेम, जो बुजाखसी या गोड ग्रैबिंग है, इसे ओलंपिक में शामिल किया जाना चाहिए. हालांकि ये गेम काफ़ी वाइल्ड है और इसमें बहुत मजबूत दिल वाले ही पार्टिसिपेट कर पाते हैं. गाइज, अफगानिस्तान हमेशा से इंडिया का एक खास नेबर रहा है. यहाँ हमने $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है.
अफगानिस्तान में हमने सलमा डैम, यहाँ की पार्लियामेंट, जरांज देदाराम हाईवे, स्टार पैलेस और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए हैं। फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति अफगानिस्तान में थी, लेकिन साल 2001 में तालिबानियों ने इसे तोड़कर ये दिखाया कि ये लोग दूसरे धर्म की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। वैसे तो अफगानी लोग दिल के बहुत साफ होते हैं, लेकिन इस संगठन ने अफगानिस्तान को गलत रिप्रेजेंट किया है। मैं अब आपको एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। दोस्तों, इस क्लिप में नज़र आ रहा बच्चा अफगानिस्तान का है और मैसी का खूब दीवाना है, पर दोस्तों इसके डैड के पास पैसे ना होने के कारण वो इसे मैसी की जर्सी नहीं दिला सके। बाद में उन्होंने पॉलीथीन को काट कर इस बच्चे के लिए मैसी की जर्सी बनाई। फ्रेंड्स, बच्चे की यह जर्सी पहनकर फुटबॉल खेलती हुई क्लिप खूब वायरल हुई। बाद में खुद मैसी ने इस बच्चे से मिलकर अपनी जर्सी गिफ्ट करी। पोएट्री अफगानिस्तान के कल्चर का महत्वपूर्ण पहलू है। अफगानियों का मानना है कि इनकी कविताओं का कलेक्शन 1000 साल से ज़्यादा पुराना है। अफगानिस्तान में हर थर्सडे को पोएट्री नाइट मनाई जाती है। एक ऐसा देश जहां हमेशा से अनस्टेबिलिटी रही हो, वहां आपको लगता होगा कि टेक्नोलॉजी का लेवल क्या ही होगा। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस देश में 90% लोगों के पास मोबाइल एक्सेस है। जहां विश्व में सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी हो, वहां इतना मोबाइल एक्सेस होना हैरानी की बात है। दोस्तों, यहां तक कि तालिबानियों के पास भी यहां फैंसी स्मार्टफोन होता है। यहां आपको अपने नाम के लेटर का मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा। यूनाइटेड नेशन और वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट्स में अफगानिस्तान की रेटिंग देखें तो काफ़ी ख़राब है। फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 180 में 174, ग्लोबल पीस इंडेक्स में 170 में 170th रैंक है। यहां तक कि यूनिसेफ के मुताबिक अफगानी लड़कियों की शादी की एवरेज एज मात्र 15 साल है। यह देश लैंडस्केप और नेचुरल ब्यूटी के मामले में बहुत सुंदर सुंदर देशों को पीछे छोड़ता है। अगर अफगानिस्तान की हालत ठीक हो जाए तो एशियाई लोगों को शायद कई पैसे खर्च करके किसी यूरोपियन कंट्रीज में नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ बामियान वैली, हिंदुकुश माउंटेन रेंज, बाबर गार्डन, मजारे शरीफ और वखान कॉरिडोर जैसी फेमस जगहें हैं। तो गाइज, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके बताएं। गाइज, आपका हर लाइक, शेयर, कमेंट हमें ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। टिल देन, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। Let's go. Yeah. When you're feeling down and you're out, like you got nothing but doubt, you're alone in the crowd, just trying to figure it out. All that is bad and this money got you feeling left out. Listen up to me now, every word that's out of my mouth. Let's wake up, it's me. You're gonna follow your dreams, or are you just gonna be another cog in the scene? You feel the hope in this beat, yeah, the hope that you need to proceed and be exactly what you want it to be. I feel right and I'm proud, hype and I'm loud. I'ma shout all about how I feel in the now. Ain't nobody ever gonna try to change me. Chill out. I'm dead, pushing up daisies. I'm alone in the crowd. I won't feel down. I got hope.